और इसको 3 महीने से यूज कर रहा हूँ मैं, इसमें कटिंग प्रॉब्लम आ रही है, इसका क्या उपाय है सर? ओके, आई एम हियर टू हेल्प यू। बेसिकली जब लोगों को ये दिक्कत आती है कि उनकी फाइबर की कटिंग प्रॉपर नहीं हो रही है या एंगल ठीक नहीं आ रहा है, तब हम क्लीवर का कैसे मेंटेनेंस करते हैं? क्लीवर का मेंटेनेंस करने के लिए सबसे पहले हमें क्लीनिंग करनी पड़ती है, साथ में अगर हमारा ब्लेड 1200 कट कर चुका है तो उसकी डिजिट को रोटेट करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि इसके डिजिट को कैसे रोटेट करते हैं और साथ में किस तरीके से क्लीवर का जनरल मेंटेनेंस किया जाता है। लेट्स सी, क्लीवर के ब्लेड की पोजीशन को शेड करने के लिए हमें बॉक्स के अंदर एक एलन की दी होती है। इस एलन की सहायता से हम किस तरीके से इसे चेंज करते हैं एक बार देखते हैं। सो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ब्लेड पर 1 से लेकर 16 तक की डिजिट लिखी हुई हैं। जब 1.1600 कटिंग करता है तब हमें उसे रोटेट करके सेकंड पॉइंट पर लाना होता है। अगर आप अभी हम देखें तो ये फर्स्ट पॉइंट पर है, नंबर 1। हम इसे रोटेट करके सेकंड पॉइंट पर लेकर आएंगे। उसके लिए हमें सिंपली इस स्क्रू को हल्का सा ढीला करना है इस एलन की सहायता से। एक बार ढीला होने के बाद हमें इसे हल्का सा रोटेट करना है और फ्रंट पोजीशन पर देखना है कि नंबर 2 आ गया हो। इस पोजीशन पर हमें इसे प्रॉपरली टाइट कर देना है। टाइट होने के बाद हमें सिंपली इसकी ये 4 होल्डर्स को क्लीन करना है। उसके लिए हमें अल्कोहल की सहायता से इसे इस तरीके से क्लीन करना है। इस पर डस्ट होने की वजह से भी कभी कभी आपकी फाइबर ब्रोक होती है और उसका एंगल प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाता, एंगल प्रॉपर नहीं आ पाता। तो इन चारों होल्डर पैड्स को क्लीन करने के बाद आपका क्लीवर एकदम परफेक्ट कटिंग करेगा।